भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री के खुलासे और एनडीटीवी की पड़ताल के बाद मध्य प्रदेश और खास तौर से भोपाल में ड्रग्स के संदिग्ध ठिकानों की छानबीन शुरू हो गई है। आज भोपाल के बगरोधा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज की जांच की गई। जांच के लिए 60 पुलिस जवानों की 6 टीमें बनाई गई। इस टीम ने अब तक 15 से अधिक फैक्ट्रीज की जांच की है। फैक्ट्रियों में मौजूद स्टॉक, मालिक, कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड सहित सभी का डेटा भी तैयार किया जाएगा। इंदौर में भी अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे और जांच की। भोपाल में केमिकल फैक्ट्री की आड़ में बन रही ड्रग्स के खुलासे की वजह से फैक्ट्रियों में सख्त जाँच का फैसला लिया गया है। तो हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत में पिछले तबके की भूमिका अहम रही थी और ऐसे में महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी सरकार का बड़ा दाव है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा दी है। क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट का ये फैसला अब केंद्र को भेजा जाएगा। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले राज्य की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार को उम्मीद होगी कि इस फैसले से अनुसूचित जाति के लोग उनके साथ जुड़ेंगे। और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रौनक कुकड़े के पास। रौनक तो अपने आप में अहम कदम उठा रही हैं पिछड़े तबके को लेकर महाराष्ट्र सरकार। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है क्योंकि आज की कैबिनेट में लगभग निधि 80 के करीब फैसले जो है वो राज्य सरकार की तरफ से इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए और प्रमुखता से जिन फैसलों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उसमें OBC की जो क्रीमी लेयर है 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का फैसला जो है वो सरकार ने किया और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया है क्योंकि क्रीमी लेयर की इस मर्यादा को बढ़ाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। लेकिन अगर ये केंद्र सरकार इस पर मोहर लगा देती है तो निश्चित तौर पर एक बड़े पैमाने पर OBC समुदाय को इसका फ़ायदा जो है वो देखने को मिल सकता है क्योंकि आपको मालूम है कि OBC समुदाय के अगर बच्चे किसी बड़े शिक्षा संस्थान में पढ़ते हैं तो जो इनकम आपकी सर्टिफिकेट अगर 8 लाख से ऊपर रही तो इसका फ़ायदा जो है वो नहीं मिलता। लेकिन अगर इसकी मर्यादा को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाए तो काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों को इसका OBC समुदाय के लोगों को फ़ायदा हो सकता है और मुझे लग रहा है कि सरकार जिस तरह से चुनाव के मद्देनज़र जो राजनीतिक तौर पर कदम उठा रही है उसमें OBC वर्ग को यहाँ पर टारगेट करती हुई दिख रही है क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ मराठा समुदाय जो है वो एक अलग भूमिका लेते हुए दिख रहा है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में लगातार मराठा आरक्षण की जो आंदोलन की आग है वो सरकार को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उसका एक बड़ा झटका देखने को मिला और इसीलिए जिस तरह से हरियाणा में जाट विरुद्ध बाकी कम्युनिटी को एक कंसोलिडेट करने की कोशिश BJP ने की उसी तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इन छोटी छोटी जो OBC के तहत जातियाँ हैं उनको एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है। निधि, मैं आपको एक और जानकारी केवल दे देता हूँ, छोटे छोटे जो OBC समाज के अंदर समाज आते हैं उनके लिए आज कई निगम की भी घोषणा की गई जिसमें जो कुम्हार समाज है, कोली समाज है और लेवा पाटिल, ये वैसे तो अगर देखा जाए तो छोटी छोटी संख्या में लेकिन इसका परिणाम महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में राजनीतिक तौर पर काफ़ी परिणामकारक हो सकता है और इसीलिए आज लंबे समय से निगम बनाने की मांग सरकार के सामने की जा रही थी और आज कैबिनेट पर सरकार ने इन निगम बनाने को लेकर हरी झंडी दे दी है। जी बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग शुरू हो गई है महाराष्ट्र में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रौनक इस जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 8 में दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर जारी विवाद के बीच आज मुख्यमंत्री आतिशी ने BJP को घेरा है। उन्होंने कहा कि BJP इसलिए परेशान है क्योंकि हमें चुनाव में हरा नहीं पाती, उनका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो आवास पर कब्जा करें। और इससे आपको बता दें, इसी के जवाब में BJP ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर शीश महल बनाया। आखिरकार किस क्या चीज़ छुपाना चाह रही है आम आदमी पार्टी, आइए सुनते हैं दोनों नेताओं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाती, उसके बाद उनका मुख्यमंत्री नहीं बनता, उनकी सरकार नहीं बनती तो वो ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं कि किसी तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लें, अपना मुख्यमंत्री बना लें।
वो दिल्ली में वो भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एक तीसरा पैंतरा अपनाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दो, विधायकों को जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो, पार्टी खत्म कर दो, कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। वो भी नहीं कर पाए। तो अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह से मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। आतिशी मार लेना को समझ लेना चाहिए कि शीश महल मुख्यमंत्री आवास नहीं, PWD की वो प्रॉपर्टी CM आवास के लिए एयरमार्क नहीं है। और ये भी इतिहास में पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से अंदर घुसना चाहती है, जब उसके बाद मथुरा रोड में पहले से बन रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से भ्रष्टाचार करके शीश महल को बनाया है, आखिर क्या कारण है कि पूरी की पूरी पार्टी उसे छुपाना चाहती है? किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को टेक ओवर और हैंड ओवर करने का एक प्रोसीजर होता है जो कानूनन इनको पूरा करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। उस कारण कानून अपना काम कर रहा है, इनको छटपटाहट क्यों है? हरियाणा के नतीजों पर आज कांग्रेस में हार के कारणों पर मंथन हुआ। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए, लेकिन हरियाणा के नेता नहीं थे, उनसे बाद में बैठक होगी। सूत्रों के हिसाब से राहुल गांधी ने बैठक में कहा है कि एक व्यक्ति का पार्टी से बड़ा होना पार्टी को नुकसान पहुँचा गया। हमारे सहयोगी प्रशांत की रिपोर्ट। हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन और उथल पुथल दोनों एक साथ शुरू हो गए हैं। पहले बात मंथन की। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, अशोक गहलोत और अजय माकन शामिल हुए। पार्टी की हार में गुटबाजी और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका की समीक्षा की गई। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राज्य के किसी अन्य नेता को नहीं बुलाया गया। अगले कुछ दिनों में राज्य के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, GSO वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में ICC के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। जैसा कि अंदेशा था, हरियाणा में लगातार तीसरी हार के बाद अब पार्टी में सिर फुटव्वल भी शुरू हो गया है। पार्टी भले ही हार के पीछे EVM मशीनों में गड़बड़ी को दोष दे रही हो, लेकिन कई पार्टी कार्यकर्ता और नेता दूसरे कारणों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पार्टी के OBC विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने पार्टी में OBC की उपेक्षा का आरोप लगाया। राहुल जी जब OBC की बात करते हैं, बिल्कुल राहुल जी तो OBC की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय चेयरमैन को जो है मैनिफेस्टो जो जब इन्होंने रिलीज किया तब नहीं बुलाया, कोई बड़ा कार्यक्रम होता तो तब बुलाते नहीं हमें, तो फिर किस नाम के हम OBC चेयरमैन। तो बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़कर सोनिया गांधी जी ने मुझे चेयरमैन बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा तो यहाँ तो कोई कुछ ही नहीं है। OBC डिपार्टमेंट के चेयरमैन की कोई हैसियत नहीं है, ना CWC में हम जाते हैं, ना CEC के अंदर हमारे सजेशन लिए आते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी ने हमारे सजेशन लिए थे। हैं, अगर एक्सटेंडेड कमेटी में हमें बुला लें तो कम से कम अपनी आवाज़ तो हम वहाँ बुलंद कर सकते हैं कि भी OBC के लोगों के साथ ये जाती हो रही है। इतना ही नहीं, चुनाव में हारे कई उम्मीदवार तो खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने साजिश करके उन्हें हरवाया है। चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। भूपेंद्र सिंह परी को चुनाव हराया गया है, पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी, उन्होंने चुनाव हराया गया है। कहीं ना कहीं हमें था कि कुमारी शैलजा जी अगर सही समय पे सही टाइम पे आती तो आज चुनाव के नतीजे कुछ और होते। अब सूत्रों के माने तो पार्टी जल्द ही हरियाणा में हुई हार की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन कर सकती है। वैसे ऐसा कई बार हो चुका है जब पार्टी की हार के बाद कांग्रेस ने समीक्षा के नाम पर कमेटी का गठन किया हो, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात, कमेटी की रिपोर्ट पर अमल नहीं हो पाता और रिपोर्ट धूल फांकती रहती है। नई दिल्ली से प्रशांत की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाओस की राजधानी वियंतियाने में आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति प्रदेश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, सहयोग, संवाद और सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 10 सालों में आसियान क्षेत्रों के साथ हमारा व्यापार लगभग दोगुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। 21वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त लाओ DPR पहुंचे हुए हैं। ये जो सम्मेलन है भारत के लिए और भी अहम इसलिए हो गया है क्योंकि ये 10वीं वर्षगांठ है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की और PM 10वीं बार इसमें शिरकत भी कर रहे हैं। बहुत अहम मानता है भारत आसियान के साथ रिश्तों को, एक बहुत पुराना कल्चरल भी रिश्ता है और ट्रेड के भी रिश्ते हैं, पीपल टू पीपल भी रिश्ते हैं, रामायण का रिश्ता है और बुद्धिज़्म का रिश्ता है, तो ये सभी चीज़ें हैं। और आज की तारीख में जैसा उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ये वक्त समन्वय, संवाद और सहयोग का है, तो ये भी उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ये सभी देश जो हैं वो शांतिप्रिय देश हैं और एक दूसरे की संप्रभुता की इज्जत करते हैं। ऐसे में जब दुनिया में कई युद्ध हो रहे हैं, ऐसे में ये देश जो है वहाँ पर शांति से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। आसियान को भारत बेहद महत्व देता है इन सभी कारणों से, और ये भी है कि इस बार जो थीम है आसियान सम्मेलन का, आसियान भारत सम्मेलन का, वो है रेजिलियंस है, वो है कनेक्टिविटी है, और ये भी भारत के लिए बेहद अहम है। इन देशों से भारत की डायरेक्ट फ्लाइट्स अधिकतर साथ के साथ हैं, दो और शुरू होने वाले हैं। रेजिलियंस का जहाँ तक सवाल है, भारत काफ़ी उस पर जोर दे रहा है, सप्लाई चेन रेजिलियंस को बहुत महत्व देता है, जैसा कि हमने सिंगापुर के उनके दौरे में भी देखा, ब्रुनेई के दौरे में देखा, तो ये काफ़ी अहम है। और इस बात से और ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी होती है कि दोनों देशों के बीच काफ़ी व्यापार है, टॉप ट्रेड पार्टनर आसियान देश जो हैं वो माने जाते हैं। भारत का जो बाहर रहने वाला डायस्पोरा है उसमें से 20% यहाँ पर इन देशों में रहता है, तो इन सब के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। जो समापन स्टेटमेंट जो PM ने दिया है उसमें उन्होंने दो जॉइंट स्टेटमेंट्स अपनाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो अपनाया गया है उसके कारण सहयोग जो है वो और आगे बढ़ेगा, तो एक बहुत करीब का रिश्ता जिसको रिव्यू किया गया है इस सम्मेलन में और आगे का रास्ता भी तय किया गया है। और एक और सम्मेलन यहाँ पर होना है, वो है ईस्ट एशिया सम्मेलन, ये भी बहुत अहम है और यहाँ पर भी आपसी सहयोग की बात होती है। और इस बार म्यांमार का भी मुद्दा शायद उठ सकता है, वहाँ पर जो स्थिति लगातार बनी हुई है। दूसरी तरफ एक फेक जॉब स्कैम्स का भी मामला है जहाँ पर लोगों को उल्लू बनाकर या धोखा देकर ले जाया जाता है कुछ देशों में, जैसे कंबोडिया जैसे देशों में, वहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं इन फ्रॉड से भी काफ़ी परेशान है और ये युवा जो वहाँ जाकर फंस जाते हैं वो भी एक बड़ी समस्या है, तो इस पर भी बात हो सकती है। कुल मिलाकर एक अहम दौरा ये प्रधानमंत्री मोदी का। इस बीच दो जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है दो नेताओं से, एक जापान के नए PM से और दूसरा न्यूजीलैंड के भी PM से PM मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का आज मुंबई के वर्ली में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में टाटा परिवार के सदस्यों के साथ गृहमंत्री, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस समेत कई नामी गिरामी लोग शामिल हुए। रतन टाटा का कल रात 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित कर टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। परोपकार और समाज सेवा के कार्यों के लिए भी रतन टाटा के प्रयासों को व्यापक और बहुत सराहा गया। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। मुंबई समेत कई शहरों में कैंसर अस्पताल बनवा कर वे कैंसर मरीजों के लिए वरदान बन गए।
उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और असाधारण इंसान थे। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खोया और टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन किया। और रतन टाटा का कुत्तों से प्यार किसी से छुपा नहीं था। आज रतन टाटा के जो घरेलू उनके घर के गोवा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दरअसल एक बार रतन टाटा जब गोवा गए थे उस समय ये कुत्ता उनके पीछे पीछे आ गया था और तब रतन टाटा ने उसे अपने साथ लेकर मुंबई आए और उसका नाम गोहा ही रख दिया था। तो गोवा मुंबई के बॉम्बे हाउस में बाकी कुत्तों के साथ ही रहता था और आज वो अंतिम विदाई के लिए भी पहुँचा। और ये कुत्ता कम से कम अभी 10-12 साल से हमारे पास है। गोवा से लेके आया था, हम लोग पिकनिक गया था तभी, अभी हमारा गार्ड लेके आया था, अभी तक वो चल रहा है अच्छा खासा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये अभी 11 साल पहले अपना जो सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने लेके आया था। रतन टाटा जी कैसे प्यार करते थे, कैसा लगा? नहीं, इनको बहुत, इनसे बहुत लगाव है और कुछ नहीं। पूछा गोवा